दशरथ अजिर बिहारी
आपको तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी, आपने इसे तोड़ दिया। भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया। ये प्रमाण है कि दशरथ नंदन साधारण नहीं है। उन्होंने धनुष तोड़कर हम सबका अभिमान तोड़ा। नहीं, ये अनुचित है। दशरथ कुमार राम ने इस स्वयंवर के धनुष को तोड़कर इस स्वयंवर के नियम का उल्लंघन किया है, हम सबका अपमान किया है। इस धनुष के टूटने को स्वयंवर के शर्त की पूर्ति नहीं माना जाएगा। ऐसा स्वयंवर हमें मान्य नहीं है। राम ने वो धनुष तोड़ दिया है जिसपे प्रत्यंचा चढ़ाने वाले से आपने अपनी पुत्री का विवाह कराने की प्रतिज्ञा ली थी। अब आपकी पुत्री का विवाह कभी नहीं होगा। अविवाहित रहेगी वो। अविवाहित, अविवाहित। रघुवंशी है तो क्या हुआ? भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का पाप किया है। उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। सावधान! यदि मेरे भैया के विरुद्ध एक भी अपशब्द कहा तो परिणाम के उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। लक्ष्मण शांत। नहीं भैया, कोई भी आप पे शस्त्र नहीं उठा सकता। आपको चुनौती देने वालों को सबसे पहले मुझसे युद्ध करना होगा। इस स्वयंवर की गरिमा का मान नहीं रखा इन्होंने। राजऋषि जनक जैसे महात्मा का अपमान किया। और आपका भी भैया दंड के पात्र ये अवश्य है, और इन्हें दंड देने में मुझे कोई संकोच नहीं। शांत हो जाइए। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, शांत हो जाइए। आप सभी के पूर्वजों ने समस्त जम्बूद्वीप की शोभा बढ़ाई, उसी प्रकार दशरथ नंदन राम भी इक्ष्वाकुवंशी है। महाराज भगीरथ, महाराज हरिश्चंद्र, महाराज रघु जैसे महान व्यक्ति जिनका जीवन अनुकरणीय है, इनके पूर्वज हैं। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र इनके गुरु हैं, और महाराज दशरथ इनके पिता हैं। ऐसे व्यक्ति के किसी भी कृत्य का कारण समझे बिना उन पर संदेह करना उचित नहीं है। कारण तो मुझे भी ज्ञात नहीं, और मैं रघुनंदन से निवेदन करता हूं कि वो यहां उपस्थित सभी अतिथियों को बताएं कि उन्होंने ये धनुष क्यों तोड़ा। मैं महाराज जनक की बात से सहमत हूं। राम, इस सभा को बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। आदरणीय मिथिला नरेश, मैं दशरथ नंदन राम क्षमा प्रार्थी कि मुझसे यह धनुष भंग हो गया। ये धनुष जो पूजनीय है, जिसके दर्शन मात्र ही भगवान शिव का आशीर्वाद है, और उसी आशीर्वाद को पाने की मंशा से मैं अपने गुरुदेव और अनुज के साथ यहां आया था। मैं ये नहीं जानता कि मुझसे यह धनुष कैसे भंग हो गया।
किंतु इतना अवश्य जानता हूं, इसके भंग होने में एक प्रतीकात्मकता अवश्य। क्योंकि यहां इस स्वयंवर में जो घटित हो रहा था उसे देखकर मुझे आभास हुआ कि आपकी प्रतिज्ञा के गूढ़ अर्थ को ना समझकर यहां उपस्थित इन सभी राजाओं ने इस स्वयंवर को एक स्पर्धा का रूप दे दिया था। ये सभी सम्माननीय राजवंशी आपकी पुत्री को एक व्यक्ति ना समझकर एक पुरस्कार समझने लगे। जो इस स्पर्धा में विजयी होता उन्हें अपने साथ ले जाता। यहां पर प्रश्न आपकी पुत्री के सम्मान और उनके अस्तित्व पर लगा दिया गया था। और इस मानसिकता को भंग होने के लिए इस धनुष का भंग होना अनिवार्य था। विवाह विवाह का आधार समानता होना चाहिए, ना कि स्पर्धा। किंतु जो व्यक्ति अपनी होने वाली पत्नी को जयचिन्ह के रूप में देखने लगे वो भला उसे अपने समान कैसे समझेगा? वो तो मात्र उसके पराक्रम का प्रतीक बन के रह जाएगी। किंतु क्या राजऋषि जनक ने अपनी पुत्री के लिए ऐसा स्वयंवर चाहा था? संसार का कोई भी पिता अपनी पुत्री के लिए ऐसे विवाह की कल्पना कर ही नहीं सकता। हम यहां स्वयंवर के लिए आए थे, पर अब केवल ये जानना चाहते हैं कि यहां जो भी हुआ क्या वो राजा जनक को मान है? उन्हें राम का धनुष तोड़ना मान है? क्या राम अधिकारी हैं आपके पुत्र के अवरण का? बोलिए महाराज। महाराज, किंतु मेरा एक निवेदन है। आपका जो भी निर्णय उसमें सीता की इच्छा उनकी सहमति भी निहित हो। अपने वर का चुनाव करने का अधिकार होता है स्वयंवर। जिसने स्वयंवर की शर्त पूरी की उसी के साथ विवाह करने के लिए सीता बाध्य नहीं होनी चाहिए। उन्हें अधिकार होना चाहिए यदि वो मुझसे विवाह नहीं करना चाहती तो स्पष्ट कह सके। आपके ऐसे विचार सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है दशरथ नंदन। मेरे लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना प्रतियोगिता नहीं अपितु उस व्यक्ति को ढूंढने की प्रक्रिया थी जो सीता का पति बनने के योग्य हो। क्योंकि इस धनुष पर प्रत्यंचा केवल वही चढ़ा सकता है जो काम क्रोध लोभ द्वेष ईर्ष्या एवं अहंकार से मुक्त हो, जो पवित्र हो, संवेदनशील हो। और राम में ये सभी गुण निहित हैं। अतः श्री राम ही
मेरी पुत्री सीता के लिए सर्वथा योग्य वर है। मेरे अनुसार इस स्वयंवर का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। सीता मेरी पुत्री, दशरथ नंदन ने सत्य कहा, स्वयंवर में पति चुनने का अधिकार कन्या को होता है। अपना निर्णय सुनाओ पुत्री। मैं धन्य हूं एक ऐसे पुरुष की समकालीन होकर जिन्हें अपने वंश की प्रतिष्ठा, अपने सम्मान से अधिक चिंता एक स्त्री के सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा की। मैं धन्य हूँ पिताजी कि आज मैं एक ऐसे पुरुष के समक्ष हूँ जिन्हें अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करने हेतु किसी स्त्री को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो ये समझते हैं कि स्त्री के सम्मान में मानवता का सम्मान निहित है, इन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करना ये मेरा सौभाग्य होगा पिताजी। ऋषि यज्ञवल्क्य, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, राम ने धनुष तोड़कर मुझे कृतार्थ किया है। अब इसके पश्चात यदि आप दोनों की अनुमति हो तो। अवश्य राजन।
सुने ना, जलज सनाला ससि ही सभीत देत जयमाला गावहि छवि अवलोकि सहेली सिया जयमाल राम उरमेली राम।